हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे बहुत टाइम के बाद बात कर रही हूँ, शायद 2 या 3 हफ्ते के बाद मैं बात कर रही हूँ। तो आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। और अब मुझे बताना आप लोग कैसे दिवाली मना रहे हो। और आज है संडे, तो आज है बड़ी दिवाली, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो वीडियो बनानी बनती ही है। तो फिर बस, और आज मैंने ये साड़ी वियर की है, तो आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी मेरे पे साड़ी। मैं आगे क्लिप ऐड कर दूँगी। तो मैं आज का अक्सर पूरा व्लॉग अपना मतलब शूट करूँगी। और जब तक आपके पास आएगा ये ब्लॉग, तब तक तो वैसे दिवाली ख़त्म हो ही जाएगी, बट कोई बात नहीं। तो आज मैं जो भी बनाऊँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी टाइम हुआ है 11:30, तो चलिए फिर बाद में बात करूँगी आपसे मैं थोड़ी देर में। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और आप लोग सभी अच्छे से दिवाली मनाना, सेफ दिवाली मनाना। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हिंदुओं का मतलब सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो जिसकी लोग मतलब पूरे साल वेट करते हैं। और तो बस फिर चलिए फिर, ठीक है, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। और आप भी मेरे साथ शेयर करना कि आपने क्या क्या बनाया था दिवाली पे। वैसे दिवाली पे तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है, तो भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो बट फिर भी बना तो पड़ता ही है ना। तो चलिए फिर बाद में बात करते हैं आपसे। चलिए सबसे पहले मीठा बनाने से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो सबसे पहले मैं उसके लिए चाशनी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, तो मैंने जिस हिसाब से मैंने बनाने हैं, जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाने हैं, मैं उसी क्वांटिटी में पानी ले रही हूँ। और शुगर ऐड कर दिए मैंने इसमें। आप अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं, जितना आप मीठा खाते हो कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैंने गैस पे चढ़ा दी है। तो जब तक ये चाशनी तैयार होगी, आइए तब तक हम इसके लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो ये गुलाब जामुन का जो वो होता है पैक, गेट्स आई थिंक इसको बोलते हैं, तो वो मैंने डाल दिया है एक पैकेट। और अब हम इसको मैं गूंथ लूँगी दूध से। आप चाहे तो आप इसे पानी से भी गूंथ सकते हो। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, और उससे ही मैं इसको अच्छे से गूंथ लूँगी। हमें इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने इसका डो तैयार कर दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। तब तक मैं चाशनी में 2-3 इलायची पीस कर डाल दूँगी। आप चाहे तो इसका पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने इलायची को अच्छे से पीस के डाला है। इससे चाशनी का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। चाशनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार ही है। तो अब मैं कढ़ाई में घी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है, आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हो इसको फ्राई करने के लिए। तो 5 मिनट भी हो चुके हैं उसको आटे को रखे हुए रेस्ट पे। तो अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, जो हमने डो तैयार किया था। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने हाथों में अपने घी लगा लिया है, और अभी मैं इसके बॉल बनाऊंगी छोटे छोटे।
जो पैकेट था गिट्स का उसमें लिखा था कि 35 इसमें 35 गुलाब जामुन बन जाएंगे, बट मैंने मुझसे यहाँ पे एक भूल होगी क्योंकि थोड़े मैंने मतलब साइज, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे नहीं आइडिया था कि कैसे करना है, तो फिर मैंने थोड़ा साइज़ इसका बड़ा कर दिया था, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था मैंने साइज़ का। ये देखिए आप खुद ही देख सकते हो। और बाद में ये फूल के जब मैंने इसको फ्राई किया तो ये और ज़्यादा बड़े हो चुके थे, और तो मतलब ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज में ही बनाने पड़ते हैं। तो बस ये देखिए मैं अब इसमें बना लूँगी सारे, तो ये देखिए बनके तैयार हो गए हैं। तो अब घी गर्म हो गया तो अब मैं इसमें एक एक करके डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और गैस की आँच मैंने सिम कर ली है। तो देखिए जैसे इसका कलर सा चेंज होने लग जाएगा तो फिर हम उसके बाद इसको निकाल देंगे। तो इसी तरह से मैं सारी इसमें डाल दूँगी और इसको सभी को फ्राई कर दूँगी। वहाँ दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी बन ही गई है। तो ये देखिए बाद में मुझे पता लगा कि इसका सो साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, और वहाँ पे मैंने चाशनी भी बन को सिम कर दिया है चाशनी वाली गैस पे। ये तो ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। बच्चों मैंने भूल की थी कि थोड़ी मैंने बॉल्स ज़्यादा बड़े बना लिए थे, तो आप ऐसा ना करें, आप बिल्कुल छोटे साइज़ के ही बनाएं। तो ये देखिए ये हो चुके हैं। तो इसके बाद हमें इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है, तुरंत नहीं डाल देना है हमने चाशनी में इसे, तो मैंने इसको 2 मिनट के बाद ही डाला था। तो अब मैं एक एक करके मैंने इसको चाशनी में डाल दिया है, और आप खुद ही देखिए साइज़ का कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका था। तो बस यही मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी कि मैंने थोड़े मतलब बड़े बना लिए थे ये, तो मतलब पर ठीक है पहली बार के हिसाब से तो अच्छे बने थे, और मैंने पहली बार ही ये ट्राई किया था बट बहुत अच्छे बने थे सच में, बहुत सॉफ्ट बने थे। तो बस ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हैं गरम गरम, और तो आज मैंने नीचे में यही बनाऊंगी। तो गुलाब जामुन बनाने के बाद बारी है सब्जी की। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली है, और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रखे हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी बटर। तो मैंने बटर ऐड कर दिया है, तो जैसे ही बटर गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च। तो थोड़ा सा बटर में मिक्स कर देंगे, और उसके बाद जो मैंने टमाटर काट के रखे हैं तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको भी मिक्स कर लूंगी बटर के साथ, और तब तक जब तक कि ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसको किसी बर्तन में निकाल दूंगी, और उसके बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसकी प्योरी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने प्योरी इसकी बना ली है। तो अब मैं कढ़ाई में फिर से बटर डाल दूँगी, और ये पहले यूज़ की भी कढ़ाई है जिसमें मैंने टमाटर वगैरह थोड़ा सा फ्राई किया था। आप चाहे तो आप दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं, बट मैं इसी में ही बना रही हूँ क्योंकि पहले ये बटर वाली ही थी, तो मैंने फिर से इसमें बटर ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हो, बट ये पनीर बटर मसाला है तो बटर नहीं बनना चाहिए, बटर में ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो बटर गरम हो चुका है, तो अब जो हमने ये प्योरी तैयार की थी टमाटर और लहसुन की, तो अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी,
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे ताकि ये बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी इसी में डाल दूँगी। तो अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे और जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो अभी मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैं इस पर ढक्कन डाल दूँगी ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। और गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है अब। तो इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। अभी देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है पीनट बटर। मुझे काजू का पेस्ट नहीं मिला था और ना ही मैंने बनाया था घर पे, तो हम पीनट पेस्ट लाए थे जो मार्केट में मिलता है, तो वही मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी मलाई, और ये घर की मलाई है जो दूध के ऊपर से निकाल के मैंने रखी थी, तो मैंने इसमें डाल दी है। आप चाहें तो आप मार्केट वाली अमूल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब मैंने इसमें डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर ली है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पनीर मसाला। और अगर आप और अच्छा कलर चाहते हो इसका तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया है। तो आप इसमें पनीर को डीप फ्राई करके भी डाल सकते हो, बट मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि फिर डीप फ्राई करके फिर ज़्यादा ऑयली हो जाता। तो अब मैंने फिर से इस पे ढक्कन रख के इसको मैं 1 से 2 मिनट पका लूँगी। और ये देखिए इसका कलर भी कितने अच्छे से चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी कसूरी मेथी। तो नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, आई थिंक मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ। मैं सब्जी बनाने के बाद मैंने बनाई थी पूरी, वो मैंने आपके साथ आपको नहीं दिखाई है। और उसके बाद अब हम मार्केट जा रहे थे, तो ये देखिए रास्ते में मार्केट का व्यू, मतलब रास्ते का व्यू है, मार्केट का तो नहीं है। तो चारों तरफ रोशनी थी, सभी ने इतनी सुंदर सुंदर लाइटें लगाई हुई थी, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था बाहर। मतलब कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं था जहाँ पर लाइट ना लगी हो। तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितना सुंदर लग व्यू था। और ये देखिए हम वापस आ चुके हैं और ये है अपनी बिल्डिंग। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही थी लाइटें। तो ये है हमारी बिल्डिंग और जो आगे चले हैं ग्रीन टी शर्ट में वो है मेरे हस्बैंड। और ये है हमारे सामने वाली बिल्डिंग, ये भी बहुत। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हमारा मंदिर जिसमें हमने छोटी छोटी लाइटें लगाई थी। तो मैंने बाहर का तो आपको व्यू दिखा दिया था, तो ये है हमारा अंदर का मंदिर। तो ये भी देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा था। और जैसे लाइट बंद रहती है तो मतलब लाइटें बहुत अच्छी चमकती है ये वाली, अगर लाइट ऑन हो तब तो नहीं पता चलता है, बट ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था। इसके आने के बाद अभी टाइम हो गया है शायद 7:15 का, तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। और ये जो मैंने आज साड़ी पहनी है ये मेरी शादी की साड़ी है, और ये साड़ी शादी के बाद आज मैंने पहनी है।
25 साल में पहली बार मैं अपने घर, अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से दूर रहकर दिवाली मना रही हूँ। तो ये शादी के बाद हमारी दूसरी दिवाली थी, और जब कोई भी घर वाले साथ नहीं होते हैं तो जो भी फेस्टिवल होते हैं वो ऐसे रूखे सूखे लगते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो ही लोग थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और जो हमारे घर के ओनर हैं वो भी नहीं थे, तो बस हम ही दो लोग अकेले ही थे। तो फिर मतलब ठीक ही थी दिवाली, इतने ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी और बुरी भी नहीं कह सकते, बुरी तो वैसे भी नहीं कह सकते हैं दिवाली को, बट होता है कि इन दिनों पे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, बट क्या करें। तो बस पूजा कर ली है, तो उसके बाद हम दिए मोमबत्ती जलाएंगे। तो बस अभी मैं तो यहाँ पे मोमबत्तियाँ जला रही हूँ, क्योंकि बाहर सभी लोग जलाने लग गए, उसी तरह से भी जला लेती हूँ, और वीडियो बना रहे थे, बार बार कैमरा हिला रहे थे, ये मैंने बाद में देखा ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कैमरा हिलाया हुआ था। अच्छा तो फिर भी ठीक है, बट उससे आगे वाले को देखने को मतलब बहुत ज़्यादा। तो बस अभी मैं यहाँ पे मोमबत्ती चला रही हूँ अपने दरवाजे के पास, और उसके बाद मैं, जो हमारे ओनर है वो घर पे नहीं है, मतलब वो गांव गए हैं, तो मैं उनके, उसके बाद मैं उनके दरवाजे के पास भी मोमबत्ती जलाने जाऊंगी, और उसके बाद मैं बाहर गेट के बाहर भी जला लूंगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे कि तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा है, फेस तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन बैठा है, तो मैंने एकदम से देखा था थोड़ा सा बस। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर गेट के पास। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कैमरा मिल रहा है, और मतलब जब सभी लोग उनके गेट के सामने बाहर दिए मोमबत्ती जली होती है, मतलब इतना मन खुशी रहता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश हमारे फैल जाता है, और अच्छा लगता है। हमने दिए नहीं जलाए थे, हमने मोमबत्ती ही जलाई थी, दोनों दिन मैंने मोमबत्ती जलाई थी, छोटी दिवाली पे भी और बड़ी दिवाली पे भी। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये बड़ी दिवाली की है, छोटी दिवाली की नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने शायद वीडियो बनाई भी नहीं थी। हाँ मैंने नहीं बनाई थी उस दिन वीडियो, तो मैंने सोचा हाँ कि मैं बड़ी दिवाली पे ही बनाऊँगी। तो बस अब मैंने यहाँ पे मोमबत्ती जला ली है, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपना पूरा साड़ी का लुक, फिर आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। वैसे हम लोग बहुत कम डालते हैं साड़ी, जो भी हिमाचल से हैं उन्हें पता होगा, हम ओकेजनली डालते हैं, और हम लोग डेली साड़ी नहीं पहन सकते हैं क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती है बिल्कुल भी। तो बस ये मैंने जब खाना वगैरह बना लिया था उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी थी, तो ये साड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी शादी की साड़ी है, मैंने आज से 1.5 साल के बाद पहनी है।
बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अभी टाइम हो गया है 10:12 हो चुके हैं और अभी हमने जस्ट खाना खाया है थोड़ी देर पहले। और बाहर इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर, तो फिर इसीलिए मैं अभी अंदर वाले रूम में आई हूँ। मैंने सोचा मैं वीडियो का एंड कर लेती हूँ, तो फिर मैं भी अंदर वाले रूम में आई हूँ। और लोग इतने ज़्यादा पटाखे चला रहे हैं, और अब आज संडे था तो हम मार्केट गए थे अभी सब्जी वगैरह लेने के लिए ना, तो हम रस्ते में बिल्कुल फंस चुके थे, इतने ज़्यादा पटाखे चला रहे थे लोग ना, तो मतलब हमें 10-15 तो हमें बीच में खड़े रहना पड़ा था। तो दिवाली पे तो लोग चलाएंगे पटाखे, बट वही ना, वहाँ पे छोटे छोटे मतलब वहीं वो लोग पटाखे चला रहे हैं और वहीं पे छोटे छोटे बच्चे भी मतलब खड़े हैं, तो मतलब थोड़े से मतलब हमें केयरफुली चलाने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ पटाखों के चलते चलते किसी का नुकसान हो जाए या कुछ भी हो सकता है बच्चों के सामने। तो मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगी बच्चों के सामने पटाखे ना चलाएं, जो बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे उनके सामने लोग पटाखे चला रहे थे, तो उनके सामने ना चलाएं पटाखे। और हाँ, सेलिब्रेट करो, दिवाली है भाई, सेलिब्रेट करना तो बनता है, बट हाँ इस तरह से करो कि किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। अब कोई भी मुसीबत आएगी तो वो किसी से पूछ के तो नहीं आएगी कि हाँ मैं आऊँ या ना आऊँ, तो वो कभी भी आ सकती है, तो मतलब हमें तो जो पहले से ही सावधान रहना चाहिए ना। तो बस यही था, तो हमने बस खाना वगैरह खा लिया है और अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है आज, और बस अब मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए, अभी मैं बर्तन सुबह ही साफ़ करूँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर तो आपने मेरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। तो फिर मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड गुड नाइट, एंड आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।